यो गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट और दोस्त गेम डेफिनेशन, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आइसक्रीम 8 की मस्त वाली ट्रिक्स की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अनोखी अनोखी ट्रिक्स। अरे बताना क्या, अभी तुमको करके ही दिखा देता हूँ। जरा इधर तो आओ एविल नन। अरे इधर नहीं, जरा इस तरफ आओ। अब मुझे वापस से आना होगा। आ रही हूं। अरे एविल नन, दूसरी तरफ से बताता हूँ। हाँ गाइस, देखो ये जो जनरेटर की वायर है ना, हम इसके साथ बिल्कुल एविल नन के मजे ले सकते हैं, क्योंकि वो इस वायर को क्रॉस नहीं कर सकती। बोले तो उसको इतनी दूर जाकर फिर क्रॉस करके आना पड़ता है, और ऐसे हम एविल नन की पुंगी बजा सकते हैं। आ जाओ एविल नन, तुमको एक और चीज दिखाता हूँ। अरे एविल नन, मुझे खाकर क्या करोगी? आओ तुमको प्रसाद खिलाता हूँ। हाँ एविल नन, अभी सबको मजा आएगा। चलो जे, जल्दी से इसको प्रसाद दे दो। फट से हेडशॉट कर दिया मैंने तो। अरे वाह जे, तुम्हारा निशाना तो एकदम कमाल का है। और एविल नन कैसी लगी, आगे स्वाद? तूने प्रसाद के नाम पे मेरी पुंगी बजा दी, तू रुक अभी उठ के तेरी बैंड बजाती हूँ। अरे भागो जे बाबू, तुम मुझको कितनी बार एविल नन से बचा सकते हो? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूँ मैं इसको ठोकता रहूंगा। ये था। वाओ गाइस, ये तो सच्ची में हैवी ड्राइवर निकला। लेकिन अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर एविल नन जे के पिछू से आएगी तो जे इस पर कैसे अटैक करेगा? आ जाओ एविल नन, आ जाओ, जल्दी से मेरे साथ चलो। अब तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। भागो जे बाबू, मुझको बचाओ। वाओ, आपने देखा गाइस, जे की कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, जे तो बिल्कुल मस्त वाला खिलाड़ी निकला। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मैं रजनीकांत का फैन हूँ। फ्लावर समझे क्या? फायर अपॉन, मैं तो गन को हवा में उड़ा के भी गोली मार सकता हूँ। क्या ये सच है? तो जल्दी से करके दिखाओ जे बाबू। अभी दिखाता हूँ। वाओ गाइस, जे ने तो हाथों के सिर्फ एक्शन से ही एविल नन को दोबारा बेहोश कर दिया, और गन तो अभी भी हवा में ही उड़ रही है। लाओ जे बाबू, ये गन मुझको दे दो। वाओ गाइस, अब मेरे पास है चमत्कारी गन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जे तो इस गन से अनलिमिटेड गोलियां चला सकता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 गोली चलाने का मौका मिलता है। ये इतनी नाइंसाफी क्यों है कैपलरिन वालों? तो चलो गाइस, अब हम जल्दी से चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ, और अगली ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बोरिस वाले इलाके में। देखो गाइस, हम इन सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको लगता होगा ये सीढ़ियाँ बंद हैं, लेकिन नहीं। अभी मैं आपको जादू से इनके ऊपर चढ़कर दिखाता हूँ। ये जल्दी से बॉक्स पे चढ़ जाओ, और अब इस रेलिंग के ऊपर पैर रख के ऊपर आ जाओ। हा, देखो गाइस, हम तो कितनी आसानी से ऊपर आ गए, और अब हम बोरिस के हाथों से भी बच गए हैं। बोरिस, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोरिस को मारना है। तो चलो गाइस, जरा देखते हैं क्या बोरिस भी ऊपर आ सकता है। आजा बोरिस, इधर से। नहीं ठंडा। उड़ी बाबा, बोरिस तो बड़ी जोर से मारता है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ, और हमारी अगली ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस चाबी को बड़ी जल्दी से कैसे ले सकते हैं, और वो भी बिना मगरमच्छ का काम किए। क्योंकि गाइस, मगरमच्छ के अंडे ढूंढते ढूंढते तो दिमाग का ठंडा हो जाता है, पूरे दिमाग का बाजीपाला हो जाता है। तो अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखो, उसके लिए सबसे पहले इस तरफ आ जाओ, ट्रैप लगाओ और भागो। गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है, वो हमारे ट्रैप के अंदर मगरमच्छ फंस गया है। मगरमच्छ, तुम
यहाँ से हिल नहीं सकती क्योंकि अब तुम मेरे ट्रैप के माया जाल में फंस गई हो। तो चलो गाइस, जब तक मगरमच्छ यहाँ पर फंसा हुआ है, हम जल्दी से जाकर अपनी की को भी ले लेते हैं, लेकिन हमको एविलन से भी बचकर रहना होगा। और लो, ये चाबी भी हमारे पास आ ही गई। अब हम जल्दी से चलते हैं इस चाबी को सही जगह पर लगाने के लिए। और लो, चाबी तो लग भी गई, मगर ये क्या है गाइस, ये कौन सा गेट खुला, जरा जाकर तो देखना ही होगा। उड़ी बाबा, ये तो बिल्कुल नई नई जगह खुल गई, लेकिन मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पा रहा। ओहो, ये कैसी लक्ष्मण रेखा है जो मुझे आगे जाने से रोक रही है। यार ऐसे थोड़ी होता है, वो पाकिस्तान से सीमा भाभी भारत में घुसकर आ गई, लेकिन मैं यहाँ से उस तरफ भी नहीं जा पा रहा। क्या करूँ गाइस, लगता है अब मुझको अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करना होगा। हाँ, मैं जल्दी से बुलाता हूँ एविलन। ओ मेरी प्यारी एविलन। मुझे बुलाया, अब मैं पुरानी सारी ट्रिक्स का तुझसे बदला ले लूंगी। हाँ हाँ, तो इंतजार किस बात का, आ जाओ ले लो बदला। अरे नहीं, गाइस जल्दी से अब स्क्रीन पर टैप करो टैप करो टैप करो, क्योंकि हमें एविलन के चंगुल से बचना है। और लो, हम तो उछल के इस लाइन के इस तरफ आ गए, वो भी एविलन की मदद से। बाय बाय एविलन, तुम जाओ वापस आइसक्रीम के पास, मैं तो चला नई दुनिया की सैर करने के लिए। गाइस, ये इलाका तो कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है रे बाबा, मैं तो सच्ची में डर रहा हूँ। लेकिन ये कैसा काला सा अंधेरा है, और इस तरफ देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये क्या, लगता है आगे पहाड़ खत्म हो गया है। गाइस जरा ट्राई तो करना होगा, क्योंकि आइसक्रीम एक हॉरर गेम है, और हम भी हॉरर गेम का असली मजा तो लेकर देखें। उड़ी बाबा, मैं तो नीचे गिर गया। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो देखकर मजा तो आ ही गया होगा। और क्या आपने अभी तक आइसक्रीम 9 की तड़कती भड़कती वीडियो नहीं देखी, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से स्क्रीन के बीच वाली वीडियो पर क्लिक करके इसको भी देखो। तो ओके गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।